एक योगा टीचर की जो सैलरी है फिलहाल वो है बाईस हजार छह सौ और फिलहाल की डेट में ही एक चपरासी की सैलरी है वो है बाईस हजार आठ सौ तो एक योगा टीचर की अपेक्षा एक चपरासी को दो सौ रूपये फालतू मिलते हैं सैलरी के रूप में तो क्यों ना हम ऐसी भर्ती के लिए ट्राई करें जिसमें ना तो कोई आपको एग्जाम देना है ना कोई किसी प्रकार की फीस देनी है सिर्फ आपको अपने बारे में बताना है ये भर्ती निकली है आपकी जिसके बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूं बस आप इस वीडियो को अंत तक देखना है भाई अंत तक नहीं देखने के कारण आपका ज्ञान अधूरा रह जाता है और आप फॉर्म तरीके से फिल नहीं कर पाते और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपके पास सरकारी भर्तियों से संबंधित सरकारी योजनाओं से संबंधित जितनी भी अपडेट है वो प्रॉपर तरीके से आती रहे नमस्कार मैं हूं गौरव शर्मा और आप लोग देखते हो एडवाइजर्ड एजुकेशन तो अब आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए अभी मैंने आपको बताया सैलरी के बारे में सैलरी सबसे जरूरी होती है क्योंकि इसी के बेस पे आप नौकरी करोगे बाईस हजार आठ सौ आपको सैलरी मिलेगी इस भर्ती के लिए पद का नाम मैंने आपको बता दिया चपरासी और इसके लिए जो आपकी एज रहने वाली है देखो अठारह से बयालीस साल है और एस सी के लिए पांच साल और ओबीसी के लिए तीन साल की छूट है इसमें आपको मात्र एट्थ क्लास पास होना चाहिए अगर आपके पास एट्थ क्लास नहीं है तो आप टेंथ भी लगा सकते हो लेकिन ध्यान रहे ये जो पोस्ट है आपकी वो चपरासी तक की है इसमें आप ग्रेजुएशन एम ए बी एड वगैरह ना लगाए ठीक है इससे आपका कुछ नहीं होने वाला इससे बस आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या आप ओवर क्वालिफाइड मान लिए जाओगे तो एट्थ और टेंथ तक ही आप अपने ये जो मार्कशीट लगाए अप्लाई अप्लाई इसकी स्टार्ट है और लास्ट डेट लास्ट डेट है इसकी 22 आठ 2024 फॉर्म आपका जो रहेगा वो रहेगा ऑफलाइन फॉर्म ऑफलाइन है दूसरा ये ऑल इंडिया भर्ती है मेल और फीमेल दोनों के लिए इसमें आपकी जो पोस्ट है टोटल वो है सत्रह पोस्ट है चपरासी की तो क्यों ना हम फॉर्म फिल करें आपसे पूछा क्या जाएगा आपसे पूछा जाएगा इंडिया जी के भारत का प्रधानमंत्री कौन है गृह मंत्री कौन है, है? राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है ये चीजें पूछी जाएंगी दूसरी चीज क्या पूछी जाएगी आपसे इंट्रोडक्शन यानी कि अपने बारे में बताइए आप क्या करते हो इंट्रोडक्शन का मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है आप उसको देख सकते हो ऐसे ही इंडिया जीके का वीडियो बनाया हुआ है अब आपसे पूछा जाएगा हरियाणा जीके में भी आपसे क्या पूछा जाएगा ज्यादा हार्ड नहीं क्योंकि चपरासी की पोस्ट है मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है यह जानकारी तो आपको बेसिक सी होनी चाहिए हरियाणा हमारा राज्य है जो वो कब बना तो इस तरीके के आपसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैंने इंडिया जी के इंट्रोडक्शन हरियाणा जी के, के वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो आप उनको जरूर देखें और प्रैक्टिस करके जाएं ये भर्ती निकली है आपकी पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पलवल के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें जिससे और लोगों को पता चल सके तो पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निकली है ये फॉर्म आपका ऑफलाइन है अगर आपको फॉर्म फिल करना नहीं आता तो आप मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा उसमें वो ड्राइवर का है उस ड्राइवर की जगह आप पीएन कर देना बस कुछ भी नहीं है। फॉर्म फिल कर देना आपको फॉर्म भेजना कहाँ है ऑल इंडिया भरती है टू इस तरीके से टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पलवल बारह ग्यारह जीरो दो ये पलवल का पिन कोड है यहां पर आपका एड्रेस आ जाएगा लिफाफे पे ये ये चीज आ जाएंगी ये आपको लिफाफे पर लिखना है और ध्यान रहे सबसे ऊपर अगर आपको अपना फॉर्म रिजेक्ट नहीं करवाना तो ये जब लिखना है द एप्लीकेशन फोर दोस्ट ऑफ ये आपको लिखना ही है वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अब इसके साथ आधार कार्ड एस सी एस टी सर्टिफिकेट और टेंथ या एट्थ की मार्कशीट की फोटो कॉपी ये चीजें आपको लगानी है अगर आप दूसरे राज्य के हो तो आप दो मिसाइल लगा सकते हो और हरियाणा राज्य वालों के लिए जो एस सी सर्टिफिकेट है वो 2022 और 2023 का बना होना चाहिए हरियाणा वालों के लिए एच आर हाँ ये जॉब जो है आपकी परमानेंट नहीं है पहले ही बता दूं ये आपकी जॉब है जो वो डीसी रेट किया है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेकिन एक बार आप इस जॉब पे लग गए ना बहुत फायदे कोई नौकरी हटाने वाला नहीं है और पीएन की तो आपको पता ही है पीएन को तो पैसे इधर समझ गए आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बहुत तरीके होते हैं पीएम बहुत तरीकों से पैसे कमा लेता है मोटा मोटिया पैसे समझो इस जॉब के लिए आप कैसे अपने मापदंडों को पूरा कर पाओगे ब्लैक कलर की पैंट सफेद कलर की शर्ट या ब्लैक कलर की पैंट ब्लू कलर की शर्ट लड़कियां अपना व्हाइट कलर का ज्यादा हैवी वाला सूट नहीं नॉर्मल सिंपल स्लेटी कलर का या हल्का ब्लू और हल्का रेड और इस तरीके के सूट पहनकर जा सकती हैं और अगर आपके पैर साफ है बिल्कुल क्लियर है अच्छे पैर पे, दिखते हैं तो आप सैंडल पहन के जा सकती हैं वरना आप जूती डाल के जाएं या सूज डाल के जाएं आपका जो सलीका है वो अच्छा होना चाहिए चुन्नी वगैरह सेट सब सारी चीजें बोलने का तरीका मैं आई कैन मैम मैं आई कैन सर अंदर जाने के लिए तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको शुरू शुरू के पांच नंबर दे देंगी तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो बीस नंबर का होगा जिसमें आपका इंट्रोडक्शन पांच नंबर का पांच नंबर के आपके क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी आपने गलत बता दिया तो आप इंटरव्यू से बाहर हो जाओगे आपके इंटरव्यू का जो टाइम है वो है आपका ग्यारह बजे ग्यार से लेकर एक बजकर तीस मिनट तक आपको पहुंचना है नौ बजे ताकि आपके डॉक्यूमेंट चेक हो सकें अब मैं आपको बता दूं आपके इंटरव्यू कब कब है इंटरव्यू लिख लीजिए भैया ए बी सी डी ई e, एफ दो तारीख को होंगे दो नौ दो हजार चौबीस जी एच आई जे के एल तीन तारीख को एम एन ओ पी क्यू चार तारीख को आर टी यू वी पांच को और एस डब्ल्यू एक्स वाई जेड छह तारीख को यह है आपके इंटरव्यू की डेट इंटरव्यू के लिए आपके पास कोई भी मतलब से अलग से लेटर नहीं भेजा जाएगा आपको बता दिया जाएगा जैसे इस भर्ती के बारे में नेट पर पर बताया गया है है ठीक साइट जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं आपको बता दूंगा कि आपका फॉर्म सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है और ध्यान रहे फॉर्म पर दोबारा से कोई पेन वगैरह ना चलाए और एक बात और रह गई सात तारीख को भी इंटरव्यू है लेकिन उनके इंटरव्यू है जिनका नाम इम्प्लॉयमेंट इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दर्ज है जाओ मै कम सर अपना इंटरव्यू दो जब तक बैठने को ना बोले तब तक ना बैठे बिना और कुर्सी से पीछे ही खड़े रहे हाथों को यहां पे रखें मैंने ए टू जेड चीज बता रखी है अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ठीक है और स्पेशल मैंने पीओन के वीडियो बनाए हुए हैं दो उनको देखकर जाए पियोन के काम क्या होते हैं सीधा सीधा पूछा जाएगा आपसे आपसे पांच क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आपने एक क्वेश्चन भी गलत किया तो आपका इंटरव्यू से बाहर हो जाओगे तो यही है तरीका सरकारी नौकरी पाने का अच्छी खासी चल रही है बहुत तरीके पैसे कमाने के तो प्लीज आप इस भर्ती के लिए अप्लाई जरूर करें अगर आपको यह लगता है कि मैं आप लोगों की समर्पित हूं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और किसी का कोई डाउट हो तो मेरे पास कमेंट कर सकता है और जब इस भर्ती के जो सिलेक्टेड लिस्ट आएगी मैं डाल दूंगा इसीलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस भर्ती का फॉर्म चाहिए तो आप एट ए डी वी आई एस ई फोर्टी फोर इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं आपको इसका फॉर्म अवेलेबल करा सकूं मैं तुरंत डाल दूंगा नमस्कार